वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा वर्चुअल मीटिंग संपन्न। आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 को उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप के द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली समीक्षात्मक बैठक संपन्न की गई। उक्त बैठक के तहत जिले के मुसहर परिवारों के सर्वे की अध्ययन स्थिति, कक्षा 9 से 12 तक के निर्गत जाति प्रमाण पत्र के अध्ययन स्थिति, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की अध्ययन स्थिति एवं न्यायालय से संबंधित वाद की अध्ययन स्थिति जैसी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों से आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जिले में 9 परियोजनाओं के तहत परियोजना वार 41,005 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न स्कूलों से इस योजना के तहत अब तक कुल 41,815 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। गांव में अभियान चलाकर 18 से 19 साल के छात्राओं को आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि कोई भी अध्ययनरत छात्राएं इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह सकें। 15 दिसंबर 2022 तक आवेदन जमा कर चेक लिस्ट बनाने की बात कही गई। उक्त कार्य की सफलता हेतु निदेशक DRDA एवं जिला कल्याण समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा हर 3 दिन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ VC करने हेतु निर्देशित किया गया। समाज कल्याण पदाधिकारी को स्कूल वाइज प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। CMEGP योजना के समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवेदनों की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कल्याण एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति के बारे में पूछा गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उसके तहत मृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण पूरा करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। जिन आवेदकों को गलत उम्र होने के कारण पेंशन आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं, उनसे पुनः आवेदन प्राप्त कर उनकी उम्र की जांच करते हुए योजना से लाभान्वित करने की बात कही गई। योग्य व्यक्तियों को पेंशन से जोड़ने हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। मनरेगा के तहत मानव दिवस को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जूनियर इंजीनियरों को मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया एवं सभी लंबित बकाया भुगतान कराने की बात कही गई। नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले वेंडरों की सूची बनाकर उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कहा गया। कल्याण विभाग के तहत प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गई। एक कल्याण पोर्टल पर 2,52,000 प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध कुल 52,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी BPO एवं BPM को स्कूल बार तथा BEO, DSE एवं DWO को अनुमंडल बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का निर्देश दिया गया। राजस्व के तहत रेवेन्यू कोर्ट की समीक्षा की गई। नए मामले डिजिटलाइज नहीं होने के कारण शून्य प्रतिवेदन प्रदर्शित हो रहा है। सभी प्राप्त नए मामलों को डिजिटाइज करने हेतु एंट्री कराने की बात कही गई एवं सभी का कॉज लिस्ट तैयार करने को कहा गया। सभी पेंडिंग केस को डिस्पोज करने की बात कही गई एवं कोर्ट की तिथि निर्धारित करने की भी बात कही गई। सरकार आपके द्वार के तहत प्राप्त आवेदनों को डिस्पोज से संबंधित प्रतिवेदन की स्थिति से अवगत कराया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बसे मुसहर परिवारों को दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सर्वे कर सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया। मुसहर परिवारों के सर्वे के दौरान आधार, राशन, पेंशन, बच्चों को स्कूल में नामांकन, आवास, जमीन, पेयजल, बिजली एवं पशुधन योजना आदि की व्यवस्था तथा आच्छादित करने हेतु निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वनाधिकार समिति की बैठक करें। यदि गैर मजरूबा जमीन में मुसहर परिवार रहते हों तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास का लाभ देने हेतु प्रस्तावित करें। कक्षा 1 से 12 तक के लोगों को पेंडिंग पड़े जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देश दिया गया एवं 9 से 12 तक के लोगों का जाति प्रमाण पत्र 100% डिस्पोज करने हेतु निर्देशित किया गया।
उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी गढ़वा उपस्थित थे।